तो देखिए फ्रेंड्स, इस की कटिंग और स्टिचिंग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो पिक्चर है ये मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड किया था। कई सारे लोगों ने एक जैसी पिक्चर मुझे सेंड किया था, बस डिफरेंस ये था कि इसमें आगे से थोड़ा वो ओपन था, बस बाकी सब इसमें सेम मुझे सेंड किया था, बहुत सारे लोगों ने सेंड किया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आई होप कि आप लोगों के रोजे जो है वो अच्छे से जा रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें और भी आसानी अता फरमाए और हमारे रोजे जो है वो अच्छे से और आसान हो जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी कटिंग और स्टिचिंग आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने ये दुपट्टा लिया है, ये अबाया के लिए ये मैंने रेडीमेड दुपट्टा लिया है गाइज। तो ये जो टेसल्स है ये हम हटा देंगे इसमें और इसमें पट्टी लगा देंगे। तो ये साइड में रख देती हूँ मैं अभी। और ये देखिए, ये मैंने फ्रेंच क्रेप फैब्रिक लिया है, जो सॉफ्ट वाला होता है वो फैब्रिक मैंने इसमें लिया है। और ये हम इसमें बॉर्डर लगाने के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है। दोनों फ्रेंच क्रेप फैब्रिक है, ठीक है। तो आप जॉर्जेट फैब्रिक में भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम साइड में रख देते हैं और ये हमारा जो मेन फैब्रिक है इसको हम यहाँ पर बिछा लेते हैं। तो ये हम कैसे बिछाएंगे ये मैं बता देती हूँ। तो गाइज, ये वाला जो फैब्रिक है ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। तो ध्यान से सुनिए, बिल्कुल 4 मीटर फैब्रिक मैंने लिया है ये, ठीक है। तो ये देखिए, ये किनारी वाली साइड है और इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। जो विड्थ हमारा 44 वाला जो विड्थ होता है वही विड्थ का फैब्रिक मैंने इसमें लिया है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो मैं इसको फोल्ड करके अच्छे से बिछा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ओके। तो देखिए गाइस, इस तरह से मैंने इसको बिछा दिया है। यहाँ से देखिए, ये फोल्ड है, ये देखिए यहाँ से फोल्ड है ये, और यहाँ से भी फुली फोल्ड है ये, और यहाँ से देखिए ये बिल्कुल ओपन है। ये 4 लेयर है, देखिए मैं इसको अच्छे से आप लोगों को खोल कर दिखा देती हूँ। ये 4 लेयर है और यहाँ से देखिए ये फोल्ड है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम अपना मेजरमेंट लगाना शुरू कर देते हैं। तो अभी देखिए गाइज, यहाँ से हम लगाएंगे अपना नेक विड्थ। 3 इंच लगा रही हूं मैं अपने नेक विड्थ में, ठीक है। तो देखिए, ये फ्रंट का नेक लगाऊंगी मैं यहाँ से 4 इंच पे, ठीक है। और बैक नेक लगाऊंगी मैं इसमें 2.5 इंच। आप इससे छोटा भी इसमें बैक नेक रख सकते हैं और भी ये अच्छे से आप लोगों को फिट बैठेगा। बैक नेक इसमें बहुत छोटा रखिएगा, ओके, बड़ा मत रखिएगा। फ्रंट चाहे आप इसमें कितना भी रख सकते हो, ठीक है गाइज। तो आप देखिए गाइज, मेरी जो फुल स्लीव है शोल्डर के साथ मेरी वो 32 इंचेस है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए, 32 इंचेस में हमें बॉर्डर इसमें माइनस करना है। एक मेरा 5 इंच का बॉर्डर है और एक ये वाला 5 इंच का है, और जो दूसरा वाला है वो मेरा 7 इंच का बॉर्डर है। तो वो दोनों बॉर्डर हमने इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो मैंने उसमें ये माइनस कर दिया और ये मेरा फैब्रिक इसमें मुझे बराबर हो गया है, ठीक है। अगर आप लोगों की भी स्लीव 32 इंचेस है शोल्डर के साथ तो ये आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 44 वाला विड्थ है ये फैब्रिक, ठीक है गाइज। तो ये मैंने बैक नेक कट कर दिया और ये मेरा फ्रंट नेक कट कर दिया। हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे तो ये मेरी 32 इंचेस की स्लीव बन जाएगी, ठीक है गाइज। तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को ये लेंथ बता देती हूँ। हमने इसमें लेंथ कितनी लिया है देखिए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शेप लगा देती हूँ यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से हमें गोलाई में शेप लगाकर इसको कट कर देना है, ये देखिए इस तरह से। तो इसको ये हो गया हमारा शेप। इसकी लेंथ देखिए अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। हमारा जो बॉर्डर था वो एक 7 इंच का था, एक 5 इंच का था। तो दोनों हमने इसमें यहाँ पर माइनस कर दिया, कर देना है 12 इंच। और जितनी आपकी फुल लेंथ है उतनी आपको फुल लेंथ के साथ 1 इंच प्लस करते हुए हमने इसको ले लेना है। 12 इंच हमें इसमें माइनस कर देना है, जो कि हमारे बॉर्डर का है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ओके। उसके बाद आप लोगों को 1 इंच प्लस करते हुए इसका फुल लेंथ ले लेना है। तो ये जो शेप मैंने लगाया है ये मैंने इसको कट कर दिया है, देखिए, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो है मैं इसको फिर से यहाँ से फोल्ड कर देती हूँ। और आगे का जो है ये वाला देखिए, यहाँ से ये किनारी वाली साइड मैं हटा रही हूँ। तो किनारी वाली साइड हमारी हट जाएगी, यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा हमारा। तो ये इसकी जो स्लीव है वो हमारी परफेक्ट वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ये किनारी वाली साइड मैंने हटा दिया अभी।
अब देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। इसको मैं पिन हटा देती हूँ, खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को अच्छे से। ये देखिए, यहाँ से मैं पिन हटा देती हूँ ये वाला, और इसको खोल कर दिखा देती हूँ। अब देखिए गाइस, मैंने इसमें ओपन नहीं रखा है। कई सारी पिक्चर में मुझे ओपन इसमें उन लोगों ने भेजा था, तो मुझे इसमें ओपन बिल्कुल नहीं रखना था। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोगों को ओपन इसमें रखना है तो देखिए यहाँ से इसको कट कर दीजिए सेंटर से, ठीक है। उसके बाद आप इसमें नेक बना सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिए यहां से आप इसमें सेंटर से कट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें ज्वाइन लगा दीजिएगा। आप नीचे से इसको जितना ओपन रखना चाहते हैं उतना ओपन रख के इसको फोल्ड कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद नेक बनाएंगे आप लोग। तो देखिए मैं इसमें ओपन नहीं रखी हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसमें नेक फोल्ड कर दूंगी। यहां से मैं इसमें से जो है मैं अपने लिए एक पट्टी निकालूंगी, और एक पट्टी निकालूंगी मैं इसमें से नेक फोल्ड करने के लिए। जैसे हम अपने टॉप में नेक फोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें नेक फोल्ड करना है। तो ये मैं और एक पट्टी निकाल रही हूँ इसमें से, तो और एक पट्टी निकालना भी बता दे रही हूँ मैं। देखिए आप लोगों को, ये देखिए इस तरह से, ये इतना हमें काफी है हमें नेक को फोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए एक दूसरे के साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद जो है ये नेक हमें इसमें फोल्ड कर देना है। तो ये बेसिक है, आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी मैं। ओके गाइस, तो चलिए नेक फोल्ड कर देती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए नेक फोल्ड कर दिया है मैंने। अब देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आप लोगों को। तो गाइस देखिए, अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इसका मेजरमेंट निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक पिन लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हमें यहाँ से मेजर करना है, पूरा गोलाई में हमें इसको मेजर करना है। एक पूरा हमारा ये बॉर्डर निकलेगा इस तरह से, हमें पूरा इस तरह से मेजर करना है। तो मेरा जो है वो 6 मीटर, इसमें पूरा जो घेरा है वो 6 मीटर का था, तो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसको कट किया था। तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, ये देखिए ये वाला हमारा बचा हुआ फैब्रिक है 4 मीटर में से, इसको हमें एक ट्रायंगल बना देना है ये फैब्रिक को। ये देखिए इस तरह से, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए करते हैं, बिल्कुल हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है, ट्रायंगल में। ये देखिए, अगर आपको उस तरह से नहीं करना है तो ये देखिए इस तरह से भी इसको यहाँ से एक सीधी सीधी लाइन लगा दीजिए, और जितनी बॉर्डर आपको चाहिए उतना यहाँ से कट कर सकते हैं, पर ये हमें ज्यादा आसान रहेगा। मुझे इसमें ज्यादा ज्वाइन नहीं लगाना था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से, अबाया में ज्यादा ज्वाइन अच्छा नहीं लगेगा, इसमें हमें ज्यादा लंबी स्ट्रिप निकलेगी, इसलिए मैंने इसको सेंटर से कट किया, ठीक है। अगर आप लोगों के पास फैब्रिक कम है तो आप इसको इस तरह से ज्यादा ज्वाइन आएंगे तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा गाइज, इसलिए मैंने इसको बीच से ज्यादा लंबी स्ट्रिप निकाला है, सेंटर से कट किया है मैंने। सेंटर से इसको कट करेंगे तो हमें ज्यादा लंबी लंबी स्ट्रिप मिलेगी और ज्वाइन हमारे कम निकलेंगे, ठीक है। तो बस यही था मेरा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके कट किया है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं और ये पट्टी, तो ये सेंटर से मैं इसको कट कर रही हूँ, ये ओरेब में है, तो ये बहुत ज्यादा हमें इसको संभाल संभाल कर यहाँ से कट करना है। तो देखिए ये सेंटर मेरा इस तरह से कट चुका है। अब देखिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पर पिन लगा देती हूँ ताकि ये हिले ना, ये ओरेब में है तो ये बहुत ज्यादा हिलेगा अभी। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इसको अच्छे से सेट कर देना है, और यहाँ पर भी हमें पिन लगा देना है ताकि ये बिल्कुल मूव ना हो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम अपना पट्टी निकालेंगे। मेरी 7 इंच का बॉर्डर था तो मैंने 8 इंच इसमें निकालना है, ये वाला जो है मैंने 7 इंच रखा है इसमें, तो मैंने 8 इंच पे इसमें मार्जिन के साथ मैं इसको 8 इंच पे लगा रही हूँ। ये ओरेब में है तो ये थोड़ा सा ये ज्यादा इसमें लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं लिया है, ठीक है गाइस। तो अभी देखिए ये हमें इसको कंटिन्यू इस तरह से निशान लगा देना है 8 इंच पे, और इसको हमें कट कर लेना है। ये देखिए 8 इंच में मैं इस तरह से कंटिन्यू करूंगी, और एक लंबी लंबी स्ट्रिप इसमें से मैं निकालूंगी। 6.5 मीटर मुझे इसमें से स्ट्रिप निकालना है, ठीक है, पूरे घेरे में लगाना है मुझे। तो देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल लंबी सी स्ट्रिप इस तरह से बना ली है। ये ज्वाइन है इसमें 2 से 3 ज्वाइन इसमें मैंने लगा दिया है, ठीक है गाइज। तो देखिए दूसरा वाला जो बॉर्डर है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ये वाला देखिए, ये 5 इंच का बॉर्डर था हमारा,
तो मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन लेते हुए 6 इंच का बॉर्डर, ये देखिए 6 इंच का बॉर्डर मैंने इसमें निकाल लिया है। ये भी मेरा 6.5 मीटर मैंने 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ही निकाला है क्योंकि हमें इसमें लूजिंग देते हुए इसमें लगाना है। देखिए आप इसको इस तरह से दोनों ज्वाइन करके भी लगा सकते हैं, या फिर चाहो तो जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल वैसा लगा दीजिए। तो देखिए अब हम इसमें यहाँ से लगाना शुरू करना है। तो देखिए गाइज अब ये जो बॉर्डर है ये आप लोगों को ध्यान से देखना है, वरना आप लोगों का जो अबाया है वो खराब हो सकता है, आप लोग फिर मुझे बोलोगे मेरा अबाया खराब हो गया। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें इसको लगाना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए राउंड है, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल राउंड है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिप को खींचना नहीं है, बिल्कुल यहाँ से आप लोगों को लूज छोड़ना है, ढील देना है आप लोगों को। ओके ये देखिए यहाँ से इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पर एक कच्ची सिला लगाकर गेदर्स बनाकर भी लगा सकते हो, वरना ये बिल्कुल आप लोगों का फिट नहीं बैठेगा गाइज। ओके बिल्कुल आप लोगों का बाया खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ढील देते हुए आप लोगों को सिलना है और दूसरी वाली स्ट्रिप इसमें लगा देना है। तो चलिए सबसे पहले सिंगल सिलकर बताती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए इसको मैंने सिल दिया है। तो मैंने इसको कैसे ढील दिया है देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए कितना मैंने इसमें ढील दे देकर इसमें सिला है, क्योंकि यहाँ पर ये गोलाई ज्यादा है इसमें, तो हमें इसको इस तरह से ही सिलना होगा गाइस। तो ध्यान से आप लोगों को ये देखकर सिलना होगा, ठीक है। तो डोंट वरी हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे तो ये बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा, समझ में ही नहीं आएगा कि हमने इसमें और एक पट्टी लगाया है। तो अब ये जो दूसरी वाली पट्टी है देखिए इसको भी हमें बिल्कुल वैसे ही सिलना है, ढील देते हुए, बिल्कुल हमें इसको खींचना नहीं है, समझ लें आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो चलिए ये भी लगा देती हूँ मैं आप लोगों को, फिर बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मैंने लगा दिया, देखिए ये आप लोगों को बिल्कुल अजीब सा लगेगा, ये देखिए बीचों बीच में आप लोगों को कैसे अजीब सा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल झोल झोल दिखाई दे रहा है। तो डोंट वरी हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हम इसमें कफ लगाएंगे, तो कफ कैसे लगाएंगे देखिए आप लोग, आप देखिए ये सेंटर मैंने बना दिया स्लीव का, यहाँ पर ये हमारी स्लीव है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर 2 इंच का एक अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी 2 इंच पे, और ये मैंने 4 इंच पे लगाया है इसको, इतना हमें ओपन रखा है, इतना हमने कफ रखना है। आपको जितना कफ रखना है उतना आप इसमें निशान लगा सकते हो। ये मैंने मार्जिन के लिए लिया है 1/2 इंच ऊपर लगा दिया है। अब हमें इसको इस तरह से शेप दे देना है और इसको हमें कट कर देना है, बस ये बहुत आसान है। अब देखिए ये जो हमने कट किए हैं यहाँ से हमें इसको बारीक सा डबल फोल्ड करते हुए सिल देना है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो डबल फोल्ड करते हुए मैं सिल देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है गाइस। तो देखिए सिल दिया मैंने अभी, अब देखिए अब हमें यहाँ से इसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देना है, ये देखिए इस तरह से पकड़ते हुए हमें एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देना है। अभी हमें नीचे से इसको थोड़ा सा ओपन रखना है, ठीक है, ताकि हम इसको पहन सके, उतना ही ओपन रखना है। तो देखिए ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए ये कफ, हम कफ के लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये 4-5 इंच का है, और ये आप इसको जितना चौड़ा जितना इसकी रखना चाहते हैं उतना फैब्रिक आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टिच लगा दिया और इसको मैं डबल फोल्ड कर दूंगी यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। इसकी जो स्टिच है वो हमें गुम रखना है, बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब ये देखिए ये जो ज्वाइन है हमारा इसको यहाँ लगा देना है और उसके बाद इसको गोलाई में हमें इसमें सिल देना है, जैसे हम अपनी कुर्ती में स्लीव लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। तो देखिए ये मैंने लगा दिया अभी, अब इसको हम फिर से ये देखिए यहाँ से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच पे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने ज्वाइन लगाए हैं वहां पर रखते हुए इसको, आप चाहो तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं निडल से, ओके, आप चाहो तो इसको स्टिच भी लगा सकते हैं, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे आप इसमें कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको रख दीजिए और तुरपाई कर दीजिए, या फिर आप इसको स्टिच लगा दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से देखिए इतना मैंने ओपन रखा है, थोड़ा सा ही ओपन रखा है, ज्यादा ओपन नहीं रखा है। यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करते हुए इसको स्टिच लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से आयरन कर देती हूँ, वाटर स्प्रे करते हुए हमें आयरन करना है। देखिए बहुत ही मैंने इसको वाटर स्प्रे करते हुए अच्छे से आयरन कर दिया है, बिल्कुल इसमें झोल दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये फिट हमारा हो गया है। ओके गाइस, तो वीडियो कैसी लगी बिल्कुल हम मुझे
कमेंट पे बताइए। देखिए इतना मैंने ओपन रखा है, इसको फोल्ड भी कर दिया है, ये देखिए फोल्ड कर दिया है मैंने इसको। तो गाइज वीडियो पसंद आई है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। और ये दुपट्टे में भी देखिए, ये मैंने यहाँ पर 1 इंच की इसमें पट्टी लगा दी है, टेसल जो है वो मैंने निकाल दिया है इसमें से। तो गाइज जो नेक्स्ट वीडियो है वो ईद स्पेशल ड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज मेरे वीडियोज दो थोड़ा सा जो है वो लेट हो रहा है क्योंकि रमजान चल रहा है, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। तो गाइज तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ईद स्पेशल ड्रेस के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। तो बाय, अल्लाह हाफिज़।